दोस्तों पिछले काफी सारे वीडियोस पे हमने देखा था रिमोट कनेक्शन कैसे सेटअप किया जा सकता है उसके बारे में। अगर आपने वो वीडियोस को अभी तक नहीं देखा और देखना चाहते हो फिर आप वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक्स को फॉलो करते हुए उन सभी वीडियोस को देख सकते हो। और आज के इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं रिमोट कनेक्शन को सेटअप करने की और एक ट्रिक। इस ट्रिक का सबसे खास बात यह है कि आप अपना गूगल अकाउंट को यूज में लेते हुए रिमोट कनेक्शन को सेटअप कर सकते हो। एज अ रिजल्ट ये मेथड ऑटोमेटिकली बहुत ही सिक्योर बन जाते हैं गूगल के सिक्योरिटी के साथ और इसे सेटअप करना बहुत ही आसान है। वेल, अगर आप इस ट्रिक के बारे में और भी जानना चाहते हैं देन इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए अंत तक देखते रहिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं तपस पाल, आप सभी को फिर एक बार बहुत स्वागत करता हूं टेक टिप्स सक्सेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। सो विदाउट फर्दर एडो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस काम को करने के लिए हम यूज में लेंगे गूगल क्रोम वेब ब्राउजर का। अब सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके सिस्टम साथ ही क्लाइंट यानी कि जिस सिस्टम को आप कंट्रोल करना चाहते हो वो दोनों सिस्टम पे गूगल क्रोम वेब ब्राउजर इंस्टॉल्ड है, साथ ही दोनों ब्राउजर सेम जीमेल आईडी से लॉग इन किया हुआ है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अब से आज मैं ये वाला विंडोज 10 सिस्टम को रिमोटली कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो इसके लिए हमें सबसे पहले गूगल की ऑफिशियल रिमोट डेस्कटॉप वेब पेज पे विजिट कर लेना है। वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मैं वेबसाइट लिंक छोड़ दूंगा जहां से आप इस पेज पे विजिट कर सकते हो। पेज लोड होने के बाद इसका जो इंटरफेस है वो आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले तो हमें इसे सेटअप कर लेना है। इसके लिए यहाँ पे जो डाउनलोड आइकन है आपको इस पे क्लिक कर लेना है। फिर आपके सामने गूगल क्रोम वेब स्टोर का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली एड टू क्रोम बटन पे क्लिक कर लेना है, फिर एड एक्सटेंशन। आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक कि ईयर डाउनलोड ना हो जाए। फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद आपके सामने एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल बटन शो होने लगेगा, आपको इस पे क्लिक कर लेना है और यस। इंस्टॉलेशन प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाने के बाद ये वाला सिस्टम का जो नाम आप रखना चाहते हो उसे आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। सेस मैं टाइप कर लेता हूं TTE डेमो Win10, देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ पे एक पिन सेट करने को बोला जाएगा, तो आप अपने पसंदीदा कोई भी एक पिन डाल दीजिएगा। सेस मैं डाल देता हूं 123456 एंड वही पिन को यहाँ पे भी पुट कर लेना है जो कि है 123456। सेम पिन ये दोनों बॉक्स पे टाइप करने के बाद आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक कर लेना है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक कि ये ऑनलाइन स्टेटस पे ना आ जाए। ओके, तो इस सिस्टम पे जो काम था वो फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अब हम इस विंडोज 10 सिस्टम को किस तरह से दूसरे सिस्टम से रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं वो देख लेते हैं। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं दूसरे सिस्टम पे आ चुका हूँ जिसमें विंडोज 8 डाला हुआ है। अब आपको सिंपली अपने क्रोम वेब ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे मेक श्योर ये वाला सिस्टम भी सेम जीमेल आईडी से लॉग इन किया हुआ है। ओके, अब आपको वही लिंक को ओपन कर लेना है जो कि हमने पहले वाला सिस्टम पे यूज में लिया था। ये लिंक सक्सेसफुली लोड होने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा TTE डेमो Win10 सिस्टम ऑनलाइन स्टेटस पे शो हो रही है। अब हमारे Windows 10 सिस्टम को रिमोटली एक्सेस करने के लिए हमें इस पे क्लिक कर लेना है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है कनेक्टिंग प्रोसेस कंप्लीट होने तक। फिर यहाँ पे आपको वो पिन को पुट कर लेना है जो कि हमने पहले सेट किया था, तो मैं पुट कर लेता हूँ 123456। फिर इस एड आइकन पे क्लिक कर लेना है Windows 10 सिस्टम के साथ कनेक्ट होने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुके हैं। अब चलिए Windows 10 सिस्टम को हम एक बार Windows 8 सिस्टम से ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। ये सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए अब हम हमारा स्मार्टफोन को यूज में लेते हुए भी Windows 10 सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आपके आसानी के लिए वो भी देख लेते हैं। इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन पे गूगल क्रोम वेब ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे भी मेक श्योर ये ब्राउजर भी सेम जीमेल आईडी से लॉग इन किया हुआ है। फिर आपको वही सेम लिंक पे विजिट कर लेना है जो कि है remotedesktop.google.com/access।
फिर यहाँ पे भी आपको हमारे विंडोज 10 सिस्टम ऑनलाइन स्टेटस पे देखने को मिलेगा। आपको सिंपली इस पे टैप कर लेना है। और पिन को टाइप करते हुए एरो आइकन पे टैप कर लेना है। तो आप देख सकते हैं विंडोज 10 सिस्टम अब हमारा मोबाइल पे भी आ चुके हैं। अब हम विंडोज 10 सिस्टम को बिना परेशानी के अपने फोन से भी ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से हम हमारे सिस्टम को ऑनलाइन पे रहते हुए दुनिया के किसी भी कोने में से एक्सेस कर सकते हैं और वो भी फ्री में गूगल की सिक्योरिटी के साथ। है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग। अब भी एक बार ट्राई जरूर करें और नीचे कमेंट में शेयर जरूर करें आपका एक्सपीरियंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर पसंद भी आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट में जाकर भी बता सकते हैं। और इसी तरह हेल्पफुल वीडियोस के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।